दोस्तों यह कथा है श्रीमद् भागवत की, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों जब मनु के वंश की चौथी पांचवी पीढ़ी ही चल रही थी, जब स्वर्ग में इंद्र का राज्य था, तो एक बार दुर्वासा ऋषि के अपमान के कारण इंद्र को उनके श्राप का भागी बनना पड़ा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र बलहीन हो गए। इंद्र को बलहीन देख दैत्यों ने स्वर्ग में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इंद्र कहीं जाकर छिप गए। इस पर दैत्यों का साहस और बढ़ गया। रोज स्वर्ग पर अलग अलग तरह के हमले होने लगे। तब अन्य देवताओं ने सप्त ऋषियों से मंत्रणा करके धरती के उस समय के सबसे तेजस्वी राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया। नहुष वीर और प्रतापी थे। उनके प्रभाव के कारण दैत्य फिर शांत बैठ गए और स्वर्ग में शांति हो गई। लेकिन स्वर्ग का राजपद और इंद्र का आसन मिलने के कुछ ही दिनों में नहुष पर सत्ता और शक्ति का नशा छाने लगा। वो अपनी मनमानियों पर उतर आए। इंद्र का पद मिलने के बाद उन्होंने इंद्र की पत्नी सची को भी अपने सामने पेश होने का फरमान सुना दिया। नहुष ने इंद्र की पत्नी सची से कहा कि जब इंद्र का आसन और उसकी शक्तियाँ मेरे पास है, तो तुम भी मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। सची ने मना किया। तब नहुष ने रानी सची को तरह तरह से परेशान करने लगे। तब परेशान होकर देवी सची देवगुरु बृहस्पति के पास गई, उन्हें सारी बातें बताई। नहुष की मनमानियों से सभी ऋषि भी परेशान थे। तब देवगुरु ने सची को एक युक्ति सुझाई। उन्होंने सची से कहा कि तुम नहुष का प्रस्ताव मान लो और उससे कहो कि अगर वो सप्त ऋषियों को कहार बनाकर खुद उनकी डोली में बैठकर आए, तो तुम उसको अपना पति स्वीकार कर लोगी। सची ने ये सुझाव मान लिया। उसने नहुष तक अपनी इस शर्त का संदेश भिजवा दिया। सची का संदेश पाकर राजा नहुष खुश हो गए और उन्होंने सप्त ऋषियों को डोली उठाने का आदेश दिया। मजबूरी में ऋषियों को नहुष की बात माननी पड़ी, लेकिन वृद्ध होने के कारण वे तेज नहीं चल पा रहे थे। तो नहुष ने डोली उठाकर आगे चल रहे अगस्त ऋषि को लात मारते हुए तेज चलने को कहा। इस पर ऋषियों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने नहुष को डोली से गिराते हुए तुरंत उसे अजगर बन जाने का श्राप दे दिया। धरती पर गिरा नहुष अजगर बन गया और अपने किए पर उसे पछतावा होने लगा। स्वर्ग का राजा बनने के योग्य व्यक्ति अपने अहंकार और गलतियों के कारण अजगर बन गया। नहुष का उद्धार तब हुआ जब हजारों वर्षों बाद पांडवों ने उसे इस श्राप से मुक्त करवाया। तो दोस्तों यह थी कथा महाराजा नहुष की, कि कैसे वे ऋषियों के श्राप के कारण उन्हें अजगर बनना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।